वेलकम बैक टू चैनल कोड इफेक्टिवली वीडियो इज अबाउट हाउ वी कैन प्रिंट दिस सीरीज सो आप देख सकते हैं इट इज़ अप टू एन टर्म्स तो मैंने क्या करा एक लॉजिक क्रैक करा है अब आप लोग मुझसे कहोगे कि मैम आप लॉजिक इतनी जल्दी कैसे क्रैक कर लेते हो सो so, मैं इसका एक ही आंसर देना चाहती हूँ विद प्रैक्टिस ओनली यू विल बी एबल टू क्रैक द लॉजिक ओके तो आप मेरी लूप की जो सीरीज है ठीक है लूप की मेरी सीरीज है लूप स्पेशल सीरीज़ ठीक है फॉर लूप स्पेशल सीरीज़ इसको हम लोग बोलते हैं इनको बोलते हैं हम लोग फॉर लू स्पेशल सीरीज अगर आप ये वाली मिस की मैंने पूरी प्ले बनाई हुई है और इस प्ले का लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंशन कर दिया आप अगर ये सारी सीरीज़ देख लोगे तो ऑफकोर्स आपके सारे लॉजिक्स क्रैक होने स्टार्ट हो जाएंगे यू विल भी एबल टू सी द सीरीज और उसी से आपको याद होना शुरू हो जाएगा अच्छा ये तो वो सीरीज़ है इस पर आई माइनस वन लगेगा इस पर आई इज इक्वल टू आई प्लस आई लगेगा इस तरीके से तो ठीक है तो आप ये सीरीज़ देखो ऑफकोर्स मैंने लिंक दिया हुआ है तभी आपको समझ में आएगा और कोई वे नहीं है है। तो इसका मैंने जो लॉजिक क्रैक करा था इट वॉज वॉट आई क्यू आई स्क्वेर ठीक है आई इंटू आई कर लीजिए ठीक है इट इज वॉट आई इंटू आई माइनस आई माइनस वन ये एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू ये सीरीज क्रैक होगी ठीक है तो अब आप लोग बोलोगे मैम आपने ये कैसे करा विद प्रैक्टिस मुझे ये सब क्रैक होना शुरू हुआ है ये लॉजिक्स ठीक है तो आपको भी प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी तो एक बार देख लेते हैं क्या इट इज़ रियली वर्किंग आई इक्वल्स टू वन होता है तो क्या होता है आई इन टू आई कर लीजिए या आई स्क्वायर कर लीजिए सेम थिंग ओनली तो चलो ठीक है आई स्क्वायर करके देखते हैं I के लिए तो तो और one one भाई ये हो गया one, पहला टर्म ठीक है चलो आई स्क्वायर कितना हो जाएगा जी इट विल बी फोर फोर माइनस टू माइनस वन सो इट विल बी वॉट फोर माइनस वन इट इज थ्री ठीक है सेकेंड टर्म भी हमारा सही आ गया I करके देखिए क्या ये सही आ रहा है सो इट इज ठीक है एक बार ट्राई करते हैं फोर का स्क्वायर माइनस फोर माइनस वन दैट इज वॉट सिक्सटीन माइनस थ्री इट इज वॉट थर्टीन गुड मतलब हमारे सारे टर्म सही आ रहे हैं सो so मेरा ये जो फॉर्मूला है बिल्कुल सही बैठा है और आप लोग को पता नहीं होगा ये 2010 का क्वेश्चन है तो इसलिए आपको आना चाहिए नेक्स्ट i इक्वल्स टू फाइव पे एक बार ट्राई कर लेते हैं इट इज वॉट ट्वेंटी फाइव माइनस फोर दैट इज ट्वेंटी वन सो ये सही बैठा है लॉजिक तो अब बस हमें इसे फॉर्मले के फॉर्मले को हमें किस में लिखना है एक प्रोग्राम के फॉर्म में और फिर चेक करना है कि या जो मैंने कोड लिखा है इज इट परफेक्टली वर्किंग और नॉट ठीक है तो मैं प्रोग्राम आप लोगों के साथ यहीं पे लिखती हूँ ताकि आपको पता चले कि प्रोग्राम भी कैसे लिखते हैं बहुत लोग प्रोग्राम लिखने में गलती कर देते हैं तो इसलिए मैं आपके सामने ही प्रोग्राम लिख ली हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि आखिर एग्जैक्टली मैं कैसे लिखती हूँ तो ठीक है यही मैंने लिखा है और हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं अब जो मैंने आई इन आई ये सब कहा था ना इसको मैं एक सम वेरिएबल नाम के में स्टोर कर लेती हूँ इन टेक्स इक्वल्स टू जीरो ठीक है अब एक फॉर का लूप चलाएंगे आई के लिए इंट आई इक्वल्स टू वन से लेके i i n तक ठीक है और अब जो हमारा मेन पार्ट है प्रोग्राम का जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम चल रहा है दैट इज वॉट आई स्क्वाइनस आई माइनस वन ये मैंने अलग से लिख दिया जस्ट इन ऑर्डर ताकि आपको पता चले यही एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है और कुछ नहीं है इस पूरे प्रोग्राम में दिस इज ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्ट एंड सोल ऑफ दिस लाइन ऑफ़ दिस प्रोग्राम और मैंने एस ओ पी ऐसा लिख दिया मैंने अभी एस ओ पी लिखा है आप लोग एस ओ पी एल एन लिखेंगे ओके और ये मेरा प्रोग्राम वो ठीक है मैंने स्पेस इसलिए दे दिया है ताकि वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट टर्म्स वरना इकट्ठे आ जाते हैं तो ये दिक्कत देता है ठीक है चलो फिर स्टार्ट करते हैं आई की वैल्यू फाइव तक हमें फाइव टर्म्स हम लोग प्रिंट करके देखेंगे कि क्या आ रहे हैं कि नहीं आ रहे प्रोग्राम से वैसे तो हमने करके देख लिए पर एक बार अपने के लिए हम लोग दोबारा करके देखेंगे ताकि प्रोग्राम से रन कर रहे हैं कि नहीं जावा में ठीक है जी एन इक्वल टू फाइव मतलब आई लेस देन इक्वल टू फाइव तक चलेगा एस इनिशियली इक्वल टू जीरो है तो एस को इधर जीरो बना लो बना लिया जी अब क्या करेंगे आई की वैल्यू इक्वल टू वन और हमारा फॉल लूप स्टार्ट हो गया फॉल लूप स्टार्ट होगा डायरेक्टली लूप के अंदर आएगा एस इज इक्वल टू वॉट आई स्क्वायेर वन का स्क्वायर माइनस आई वन माइनस वन सो इट इज वॉट जीरो तो एस में जीरो स्टोर हो जाएगा ओके सॉरी एस में वन स्टोर हो जाएगा वन स्टोर होगा तो एस ओ पी यहाँ पर मैं आंसर लिखती जाती हूँ सीरीज एस एस इज वॉट वन तो वन आ जाएगा ओके okay? तो पहला हमारा बिल्कुल सही गया एस हमारा वन आ गया तो अब क्या होगा नेक्स्ट हमारा आई की वैल्यू विल भी नाउ टू तो इट विल वॉट एस इज इक्वल टू आई स्क्वायर माइनस आई माइनस वन आई स्क्वायर मतलब आई की वैल्यू वन है तो टू का स्क्वायर माइनस टू माइनस वन सो इट विल बी वॉट फोर माइनस वन इट इज़ वॉट थ्री तो हमें अपना थर्ड टर्म एस में मिल गया एस इज इक्वल टू थ्री तो क्या प्रिंट होगा वन के बाद थ्री अब आई की वैल्यू विल बी थ्री तो क्या होगा एस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आई स्क्वायर मतलब आई की वैल्यू थ्री है तो थ्री का स्क्वायर माइनस आई आई मतलब थ्री माइनस वन सो इट विल बी वॉट नाइन माइनस टू सो इट इज वॉट सेवन तो एस में क्या आ गया सेवन तो सेवन प्रिंट हो जाएगा

ठीक है तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी लूप के बाहर आएंगे वॉइड में के बाहर आएंगे क्लास के बाहर आएंगे एंड द प्रोग्राम गेट्स टर्मिनेटेड और आपको अपने पहले पांच टर्म्स मिल चुके हैं हमें यही प्रिंट करना था वन थ्री सेवन थर्टीन ट्वेंटी वन यहाँ पे भी वन थ्री सेवन थर्टीन ट्वेंटी वन इज द आंसर सो इट वॉज अ वेरी इजी वीडियो बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए सीरीज के साथ तो आपको ये प्रोग्राम आ जाएगा सो आई रिक्वेस्ट इन द कॉपी आप लोग अपनी रफ कॉपी मेंटेन करें उसमें ये सीरीज लिखे और उनके फॉमिलस्ट लिखते जाएं दैट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर यू इफ यू लाइक दिस वीडियो को एंडली गो एंड सब्स्राइब टू द कोड इफेक्टिवली चैनल एंड डोंट फर्गेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन